एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंप कर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीज़ों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज़ पर 1 रुपया, लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज़ यहाँ की ही होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज़ ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपये लेकर बाजार निकल पड़ा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपया वाली 3 चीज़ें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्ड बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपये मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपया मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज़ थी जो न यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। धन्यवाद।